भरतपुर पुलिस और सेना कर्मचारी विवाद मामला आसंता काली हेबो मिछ धरा परीक्षा से आज गुजरात जीव क्राइम ब्रांच टीम निलंबित आईएएस दिनकृष्ण मिश्र एसआई वैशाली निपंडा एएसआई सागरिका रथ एएसआई सलिलामयी साहू और भरतपुर थाना अन्य जन सब इन्स्पेक्टर को ले गुजरात जीव क्राइम ब्रांच टीम गांधीनगर थिबा स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रे समस्त मिछ धरा परीक्षा करा जिवो एने आज संध्या दुईटी पर्यायर टीम गुजरात जिवो निलंबित आईएसी दिनकृष्ण मिश्रंकर नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा बेले अन्यमानकर केवल पॉलीग्राफ टेस्ट करा जिवो एथिपई प्रश्न प्रस्तुत करिछि तदनकारी टीम गत 14 तारीख राति रे भरतपुर थाना रे कोन घटीथिला पीड़िता जे अभियोग आणुछन्ते सेथिरे केते सत्यता रहिछि सेने प्रश्न प्रस्तुत होइथिबा सूचना मिलिछि दर्शक जीवा प्रियरंजन नायक मो सहयोगी रहउछन्ती प्रियरंजन कोन सूचना आसुछे निश्चित देखंतु भरतपुर थाना रे जो घटना घटिछि तार सत्यता जानिया पई क्राइम ब्रांच टीम रो गोटे टीम गठन होइछि जो गठन रे सेथिरे निलंबित आईएएस अछन्ति जो थरे कि निलंबित आईएएस थारु संपूर्ण भाबरे तथ्य पाया पई क्राइम ब्रांच टीम लागि पडछन्ति एवं अन्य जो अछन्ति एएसआई सेमान मध्ये ट्रेन जोगे जाइ सारछन्ति किंतु आज जहाँ सूचना मिलुछि पाखापाखि राति 10टा समय रे इंडिगो फ्लाइट जरिया रे दिनकृष्ण मिश्र को नै पारन्ति क्राइम ब्रांच टीम तेणुकरि बर्तमान क्राइम ब्रांच टीम र वरिष्ठ अधिकारी माने मध्ये आसी पहुँच सारछन्ति ताको ऑफिस ऑफिस रे एवं कार्यालय रे तबे जो अच्छी सत्यता जानिया पई जो मिछ सत मेसीन ए मेसीन जरिया रे केवल इन्वेस्टिगेशन पार्ट को ही से माने जानिबे जे प्रकृत घटना जहाँ आनी अभियोगकारिणी से अभियोगटी सत्यता अच्छी ना नाई से विषय में जानिया पई एई ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट हम एई टेस्ट गुड़िक केवल इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो आईओ अच्छा जो तदंत अधिकारी अच्छा से माने जानिया पई जे एई घटन तालमेल रोचे ना जड़े कहूँ कौन अन्य जड़े कौन कौन तार सबकि तथ्य पाया परे पुंखानुपुंखान गोटे रिपोर्ट प्रदान करा जिवो सेथिपाई पूर्वर मध्ये अनेक प्रकार पॉलीग्राफ टेस्ट हेछि जोटा कि तदंत अधिकारी को गोटे सहायता हेछि जे आगो को बढ़िया पाई तदंत रे केउ माने दोषी अछंती तबे एहा को जानिया पाई नार्को टेस्ट जरूरी होइ पड़छि एवं एहा को सहमति प्रकाश करिया पाई कोर्ट रु मध्ये ऑर्डर आइछि नार्को टेस्ट करिया पाई जेउ व्यक्ति मानकर नार्को टेस्ट हबो कि पॉलीग्राफ टेस्ट हबो सेमानकर मध्ये सहमति आवश्यक अछि तेनु सबु किछि रो कोर्ट रु ऑर्डर आनिबा परे क्राइम ब्रांच टीम ए सबु आगो को पदक्षेप नैछि तेनु करे गुजरात रो गांधीनगर थिबा फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रे एगुडी को हबो एवं एगुडी को पै समस्त प्रस्तुत हेछि अन्य पटे कहा को केउ केउ प्रश्न पचरा जिवो से दिन राति रे किए प्रथमे आसीतला केउ प्रकार झगडा करतला कोन कहुतला कोन कोन कहुनतला एवं किए व्यक्ति जनक केउ पुलिस कर्मचारी माने तांकु कोन कोन उत्तर दउतले ए सबु किछि रो से दिन रो घटना रो सत्यता जाने पई एई भली भाब रे नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी तेनु करी जेउ जेउ व्यक्ति माननकु कोन कोन प्रश्न पचारिवो सेगुडी को पूरा तालिका प्रस्तुत होई सारछि एवं अन्य पटे जे एई जो पुरुणा घटनाटी बर्तमान एबे तांकर मन थाईपे कि न थाईपे ए प्रकार मध्य प्रश्न सृष्टि होइछि जेहेतु अभियोगकारिणी गोटे बड़ संगीन अभियोग आनी तेणु ए अभियोग से पुलिस कर्मचारी सेतेबेले माने एई कथा शुणिछन ना ये होइछि ना ये निलंबित आईएसी माने एई भाव टर्चर करिछन्ति ना यही समस्त प्रकार गोटे प्रकार गोटे पर गोटे तार टेस्ट कर गोटे सहायक हम जे सबूर तदंत रिपोर्ट प्रदान तेणु रिपोर्ट रे जहाँ जमापड़ जदि दोषी तेब दोषी निश्चित भाव दंड पाइब विरोध में जो आसी जो अभियोगटी सत्यता प्रमाण हम तेणुक या कोर्टे प्रकाश कर जेहेतु पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट एगुड़ी को कोर्टे इश्यू करना याडर अच्छी तेणुक यह केवल तदंत अधिकारी सहायक हो जमापड़ी क्राइम ब्रांच टीम वरिष्ठ अधिकारी अच्छा और जो मैंने आईओ अच्छा से दिन ठूँ जो घटना जिते पचराउचरा कर एवं जो गिरफ होते नौ जन युवक जो दिन घटना घटला जो दिन प्रथम झगड़ा आरंभ होता से ही दिन ठार आरंभ कर जो नौ जन युवक बयान रेकर्ड और जो प्रत्यक्षदर्शी अच्छा से जो घटना घटला जो बार से बार गुड़िकर जो कर्मचारी से बयान रेकर्ड और अंपटे जो अच्छा सेना कर्मचारी जी अच्छा अभियोगकारिणी से मध्य समस्त बयान रेकर्ड आधार में गोटे क्राइम ब्रांच टीम तार सेपट रेकर्ड रखी अंपटे यही जो पांच जन अच्छा पुलिस कर्मचारी मैंने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट जरिया जो आसो तथ्य सेगुड़ी को तालमेल हे और पर गोटे तथ्य प्रदान कर प्रकृत यही घटना ये दोषी एम दोषी एम निर्दोषी एभली भाव में जो तथ्य आसो
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟଟି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ତାହା କୋର୍ଟରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା'ର ଦାଖଲ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟଟି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆୟୋ ଯେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେବ। ଯେହେତୁ ଯଦି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଛ କହୁଥିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ କହୁନଥିବେ ତାହା ଧରା ପଡ଼ିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତା ପରପରେ ଅଛି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ଯଦି ସେ ମିଛ କହୁଥିବ ସେ ମିଛ ମେସିନ୍ରେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଜରିଆରେ ତାର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେହି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ବୋଲି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ପାଖାପାଖି 10:00 ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗୁଜରାଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସେଠି ରହିସାରିଛି, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ଯିବେ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାବଦରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନଜର ରହୁଛି ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ରୋଲ୍, ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ସହାୟତା କରୁଛି ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ଖବର ପରେ।